हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबको दिल से धन्यवाद कि आप सब ने इस छोटे से व्लॉग को इतना सपोर्ट करी है कि 4,590 सब्सक्राइबर्स मेरे पूरे हो गए हैं और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये 5K तक चल जाएगा। तो आज के वीडियो में आप लोगों को मैं थोड़ा सा खेती के बारे में दिखाता हूँ, क्योंकि पिछले बार जब मैंने ये ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी तो उन दिनों मेरा सबसे पहला वीडियो जो था वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड था। तो आज थोड़ा सा अपना जो हम लोगों का खेत है वहाँ चलते हैं और देखते हैं कि अभी जो धान का सीज़न है तो धान किस तरह से अभी हो रहा है। मेरे बैकग्राउंड पे आप यहाँ देख सकते हैं तो यहाँ रोपाई धान का हो चुकी है। अभी दूसरे प्लॉट में जाएंगे और वहाँ जाके देखेंगे कि वहाँ का क्या स्थिति है। देखो पानी, तो सावन का समय जो होता है, इस बार की बारिश सावन के समय नहीं हुआ था, सावन के बाद बारिश हुई थी। तो जब बारिश नहीं होता है तो पूरा घर एकदम तहस नहस हम लोगों का हो जाता है, क्योंकि मतलब बहुत स्ट्रेस आ जाता है एक फार्मर के ऊपर में कि बारिश उनके लिए कितना ज़रूरी हो जाता है ये समय, खासकर एग्रीकल्चर के समय में। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मैंने महसूस करी है जब से मैं यहाँ गांव पे रहा हूँ तब से। और मेरे पीछे आप ये भी जो देख रहे हैं, ये चावल का नर्सरी इसको कहा जाता है, नर्सरी इन द सेंस कि यहाँ जो चावल का जो बीज है उस बीज को हम लोग यहाँ देते हैं। तो ये जितना भी आप देख रहे हैं ये सब चावल का बीज है, देखिए जितना भी आप यहाँ देख रहे हैं टोटल। उसके बाद इस तरह से खेत को रेडी किया जाता है और रेडी करने के बाद यहाँ जो ऊपर में आप जिस तरह देख रहे हैं एक एक करके चावल को लगाया जाता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोसेस होता है ये और इतने सारे इसके फेजेस होते हैं। तो सबसे पहला फेज़ ये होता है कि जब बारिश से पहले जो ज़मीन है उसको एक बार ट्रैक्टर से उन लोग उसको जोत लेते हैं, जिस तरह के कहते हैं कि जिसको एक प्लाउइंग जिसको बोलते हैं हम लोग, वो कर लेते हैं। और उसके बाद में जब बारिश आती है तो उसको और एक बार किया जाता है। फिर जब पूरा पानी जब पड़ जाता है, इस तरह से पानी जब भर जाता है, तब इसको फाइनल एक बार फिर से इसको प्लाउइंग कर दी जाती है और उसके बाद में एक एक करके इसको लगा दी जाती है। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा दिख रहा है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। और मेरे पीछे आप जितना भी आप यहाँ देख सकते हैं वो टोटल आपका वही धान का बीज है। और फ्रेंड्स, जैसे कि ये वीडियो किसान से रिलेटेड है, तो हम जब भी अनाज खाते हैं तो एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अनाज को ज़्यादा आप लोग वेस्टेज ना करिएगा, क्योंकि यहाँ से इस खेत से आपके प्लेट तक जो चावल पहुँचती है इसके बीच का जो मेहनत है जो किसान लोग करते हैं बहुत ही ज़्यादा है। खुद मैंने इस चीज़ को फील करी है और ख़ुद मैं इस खेत पे काम कर चुका हूँ तो मुझे अंदाज़ा है और आइडिया भी है कि काम कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए वेस्टेज तो बिल्कुल ना करिएगा। और जो भी बंदे मेरे व्लॉग्स को देख रहे हैं, भाई बहन, आप सबको मैं और एक बार धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने इस अपने भाई को यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया। आप सबका कृपा है और आप सबका प्यार है जो मैं व्लॉगिंग्स लेके आ पा रहा हूँ। डेली व्लॉग्स आती थी वो बंद हो गई है, लेकिन आने वाले समय में ज़रूर से डेली व्लॉग्स लेके आएंगे और काफ़ी अच्छा भी रहेगा। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल से अपना प्यार और प्रेम इसी तरह से रखिएगा ताकि मैं आने वाले समय में और भी वीडियोज़ आपके लिए लेके आ पाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। जय हिंद, जय भारत।